डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, आज हमारा टॉपिक है यंग्स मॉडुलस। आज जो हमने इस टॉपिक की आउटलाइन कवर करनी है वो है डेफिनेशन, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, यूनिट एंड टेबल। आइए चलते डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन इसकी है द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। अब इसकी डेफिनेशन वैसी ही है जैसे हुक्स लॉ में थी, लेकिन इसमें जस्ट एक छोटी सी चेंजिंग है, वो है टेंसाइल स्ट्रेन की। मतलब क्या है कि यंग मॉडुलस जस्ट डील करता है उन चीज़ों के मुतलिक जो लेंथ वाइज तब्दील होती हैं। टेंसाइल स्ट्रेन का मतलब है लेंथ, ओनली लेंथ चेंजिंग। यंग्स मॉडुलस का फार्मूला है, इसे हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। एक्सप्लेनेशन है, कंसिडर अ लॉन्ग बार ऑफ लेंथ एल नॉट एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। अब हमारे पास एक रॉड है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और लेंथ एल नॉट है। लेट एन एक्सटर्नल फोर्स एफ इक्वल टू वेट डब्ल्यू स्ट्रेच इट सच दैट द स्ट्रेच लेंथ बिकम्स एल। वो कहते हैं कि अगर हम इस ओरिजिनल लेंथ को स्ट्रेच करते हैं तो जो हमारे पास लेंथ आती है बाद में स्ट्रेच करने के बाद, तो वो है एल। चेंज इन लेंथ क्या आती है? एल आती है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ द रेशियो दिस स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉन्स्टेंट विद इन इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी। अब साफ सी बात है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन किसके बराबर थे? किसी कॉन्स्टेंट के बराबर थे, जब हमने हुक्स लॉ में मालूम किया था। तो यंग्स मॉडुलस बेसिकली वही कॉन्स्टेंट की कीमत ही होती है। तो ये जो उसमें स्ट्रेस हम लगाते हैं इस रॉड में, तो उसके नतीजे में जो स्ट्रेन पैदा होती है वो एक इलास्टिक लिमिट में ही होनी चाहिए, जैसे कि हुक्स लॉ कहता है। मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? लेट डेल एल बी द चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड, देन डेल एल इज इक्वल टू एल माइनस एल नॉट। तो चेंज इन लेंथ, कितनी तब्दीली आई है उसमें? एल, एल हमारे पास लेंथ आई है जो हमने उसे जब स्ट्रेस किया तो उसके नतीजे में जो उसमें स्ट्रेन पैदा हुआ, तो उस लेंथ को हम एल कह रहे हैं, और माइनस ओरिजिनल लेंथ उसमें से जब माइनस करेंगे तो हमारे पास डेल एल आएगा। सिंस स्ट्रेस क्या होता है? हमारे पास फोर्स ओवर एरिया। और टेंसाइल स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एल माइनस एल नॉट ओवर एल नॉट, या इसे आप डेल एल की सूरत में भी लिख सकते हैं। तो यंग मॉडुलस का फार्मूला क्या था? स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। तो हम यहाँ स्ट्रेस का फार्मूला पुट करते हैं, एफ ओवर ए डिवाइडेड बाय क्या है? डेल एल ओवर एल नॉट। क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो जो चीज़ डिवीजन, जब हम डिवीजन को मल्टीप्लाइकेशन में करते हैं तो नीचे वाली जो क्वांटिटी होती है वो ऊपर आ जाती है और ऊपर वाली जो होती है वो नीचे आ जाती है। तो उसके बाद क्या है कि फोर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे एल नॉट के साथ, डिवाइडेड बाय एरिया किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? डेल एल के साथ। तो हमारे पास ये यंग मॉडुलस का फार्मूला आ गया है। इसका यूनिट होता है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। अगर हम पीछे देखें तो ये लेंथ, अगर हम यूनिट में लिखें, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, और नीचे एरिया का भी मीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ पे डेल एल का लेंथ है तो मीटर होगा, ये मीटर और ये मीटर आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही बचेगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ से सब्सटांसेज हैं, इनका यंग्स मॉडुलस की कीमत दी हुई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हर सब्सटांस की अलग अलग कीमत है। अगर कोई आपका क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।